Today we solve numerical problem 8.6. A sample of volume 30 cm cube. कोई sample है, उस sample का volume आपके पास given है, कितना बेटा 30 cm cube. सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा मीटर क्यूब में, तो लिखा जाएगा 30 × 10⁻⁶ ऑफ मीटर क्यूब. मैग्नेटिक फील्ड 5 ओरेस्टेड, डेट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड H आपके पास गिवन है, कितना 5 ओरेस्टेड. ओरेस्टेड इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. वी वांट टू कन्वर्ट CGS इनटू SI. वी नो 1 ओरेस्टेड आर इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर, सो डेट 5 × 80 एम्पियर पर मीटर. ओरेस्टेड आर कन्वर्ट इनटू SI यूनिट आपके पास. द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, जो मैग्नेटिक मोमेंट डेट इज कैपिटल M इज गिवन 6 एम्पियर. ये यूनिट जो यहाँ लिखा गया है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज रॉन्ग, यूनिट इज एम्पियर मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर. फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन डेट इज बी. बी आपको डिटरमाइन करना है, तो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे बेटा हम लोग. हमने एक फॉर्मूला बनाया था, डेट इज बी इक्वल टू आपके पास होता है म्यू नॉट एच प्लस ऑफ क्या आई. इसी फॉर्मूले को अगर आगे लिखेंगे तो म्यू नॉट एच, आई का फॉर्मूला आपके पास था एम बाई वी. बी हमें डिटरमाइन करना है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी बेटा 4 π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई एच. एच कितना गिवन है आपके पास 6 प्लस एम. एम आपके पास गिवन है बेटा, सॉरी H मैंने गलत लिख दिया, माय मिस्टेक्स. H हमारे पास जो गिवन है डेट इज 5 × 80, तो ये हो गया बेटा अप्रोक्सीमेट 400 आपके पास. तो 400 प्लस M आपके पास गिवन है 6 / V. V कितना है बेटा 30 × 10⁻⁶. इसको सिंप्लीफाई करें आप लोग, देन वी कैन राइट 6 को 30 से कट करें कितने टाइम्स 5 times. B इक्वल टू कितना 4 π की वैल्यू 3.14, 10⁻⁷ कितना −7. 400 प्लस ये 1/5, 10⁻⁶ ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻+6. B इक्वल टू 4 × 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये हो गया बेटा 400 प्लस. इसको लिख सकते हैं बेटा आप लोग 10 × 10⁵ 5. 5 से 10 कितने टाइम्स 2 times. तो B इक्वल टू कितना 4 × 3.14 × 10⁻⁷, ये हो गया 400 प्लस 2. 10⁵ का मतलब 5 0 1 2 3 4 5. देन इसके अंदर आपके पास 400 हमें ऐड करना है, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा बेटा 12.56 10⁻⁷, ये हो गया 200 400. अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं B इक्वल टू 12.56 10⁻⁷. ये आपके पास जो 200 400 लिखा है, मैं 1 2 3 4 5 पॉइंट बाद अगर पॉइंट लगाना चाहूँगा तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2.004 × 10⁵+5 आपके पास. अब 10⁻⁵ और −7 कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2. आगे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, B इक्वल टू ये जो आपने लिखा है 2.004, इसको मैं अप्रोक्सीमेट अगर 2 कंसिडर कर लेता हूँ, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 2 ही है आपके पास, तो 2 को 12.56 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को 6 से किया 12, कैरी 1, 2 को 5 से किया 10, 10 और कैरी 1 11, कैरी 1,
2 2 जा 4 और 1 5 2, 25.12 और साथ में 10^-2 चल रहा है। अब 10^-2 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 25.12 10^-2 अपॉन में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, डेट इज 100। अब 100 की वजह से अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2512। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन हमने डिटरमाइन किया है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, टेस्ला। डेट इज ओवर आंसर।